पाव लैंडर मॉड्यूल। पीपल आर अप्लॉडिंग। अगस्त 2023 शाम 6:04 पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका चीन जैसे तमाम बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि चंद्रयान को 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर उतारा गया और ये मिशन सिर्फ एक दिन का ही क्यों है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज निकलेगा, यहाँ 14 दिन तक रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त पर चांद पर उतरता है जब वहाँ रात हो तो वो काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा है कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी और सौर ऊर्जा की मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो जाएगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। पिछले 4 साल की तैयारी का ही नतीजा था कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सटीक रही। जिन 17 मिनट को इस पूरे मिशन के लिए सबसे अहम माना जा रहा था, जिन 17 मिनट ने चंद्रयान 2 की उम्मीदें तोड़ी थी, जिन्हें इसरो ने टेरर ऑफ 17 मिनट्स कहा था, उसी बाधा को पार करके हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना डंका बजा दिया। वो 17 मिनट जब देश हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, ये वो वक्त होता है जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार अपनी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ता है। इस समय के दौरान विक्रम पर इसरो का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो इसरो की तरफ से पहले दिए गए इनपुट के आधार पर खुद फैसले करते हुए चांद की सतह तक पहुंचता है। ये 4 चरण की लैंडिंग ही सबसे खतरनाक मानी जाती है। विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंड करने की प्रक्रिया कुल 4 चरणों में बांटी हुई थी। पहला चरण रफ ब्रेकिंग, दूसरा एल्टीट्यूड होल्ड फेज, तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज और चौथा टर्मिनल डिसेंट फेज। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं ये 4 चरण। इसमें पहला फेज है रफ ब्रेकिंग। जब ऊंचाई चंद्रयान की 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर रह गई, इस फेज की स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। 11 मिनट के भीतर ये फेज पूरा होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे लैंडर की 30 किलोमीटर की ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही थी। दूसरा फेज है एल्टीट्यूड होल्ड, जहां हमारा चंद्रयान चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड तब 336 मीटर प्रति सेकंड रह गई और ये स्टेज सिर्फ 10 सेकंड की रही। तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग, यहां ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की रह गई। स्पीड बहुत कम थी, इसलिए स्क्रीन पर स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी थी। ये स्टेज 12 सेकंड की रही। आप देख सकते हैं कि यहां पर लैंडर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल से पूरी तरह से वर्टिकल यानी कि सीधी हो गई। और इसके बाद आखिरी यानी कि चौथा फेज आता है टर्मिनल डिसेंट। इस फेज में ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह गई। इस फेज में स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से लगातार घटती गई और जैसे जैसे लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंचता गया, उसकी स्पीड 0 हो गई। इस फेज में लैंडर के सिर्फ 2 इंजन ही काम करते हैं। यही वो स्टेज है जिस तक पहुंचते ही इसरो के कमांडर सेंटर में बैठे एक एक वैज्ञानिक के चेहरे पर कामयाबी की खुशी दिखने लगी और स्पेस सेंटर समेत पूरे भारत में तालियां गूंजने लगी और सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। चांद पर लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगा। ये 500 मीटर तक के इलाके में
चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे, क्योंकि इसके रोवर में एक तरफ के पहियों पर इसरो के निशान है और दूसरी तरफ के पहियों पर अशोक स्तंभ के निशान बना है। आपको बता दें कि लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर आया। धूल से पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम के बाहर निकाला। क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी, वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल को बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों में धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को ये लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते में भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। लेकिन भारत के चंद्रयान ने कमाल कर दिया और इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।